नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर फिरोजाबाद से आ रही है। जी हां, इस वक्त की खबर फिरोजाबाद से बताई जा। फिरोजाबाद शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी शिवहरे गारमेंट्स के स्वामी ने लेखपाल और तहसीलदार पर लगाया आरोप। बेटे की सरकारी नौकरी के लिए मांगा गया है जाति प्रमाण पत्र। तहसीलदार और लेखपाल मेरा कर रहे हैं मानसिक उत्पीड़न, बुजुर्ग ने कहा। सुबह से शाम तक तहसील में बुलाकर बैठा लेते हैं, शाम को जाने के लिए बोलते हैं। एक सप्ताह से किया जा रहा है परेशान, बुजुर्ग ने तहसीलदार के सामने उत्पीड़न से तंग आकर जमीन पर सिर पटका। आक्रोश में आकर तहसीलदार ने बुजुर्ग का जाति प्रमाण पत्र किया निरस्त। तहसीलदार ने बुलाई पुलिस, काफी देर तक हुआ हंगामा। फिरोजाबाद से ऋषि पंडित की रिपोर्ट। की समस्या हम लोग सुन रहे हैं, जो भी समस्या हो एक एप्लीकेशन लिख कर दे दें, उसके मजिस्ट्रेट की जांच करवाती है। नहीं तो आप तो खुद मजिस्ट्रेट हैं, आप जांच क्या कराएंगे? आप जांच करें ना, वो एविडेंस देंगे, मैं मजिस्ट्रेट ही जांच करवाऊंगा। हाँ, या मैं स्वयं भी जांच करूँगा। नहीं, आपको प्रथम दृष्टया कुछ गलती नहीं लग रही आपके अधीनस्थों के द्वारा? नहीं, अभी इन्होंने कोई ऐसा एविडेंस नहीं दिया जिससे लगे गलत है। लेखपाल ने ये तो बता रहे हैं, हम दे रहे हैं, आप लेने तैयार नहीं है? एक प्रार्थना पत्र के साथ ये पूरे साक्ष्य हैं यहाँ पे, ये लेने से ले। नहीं, आप खुद नहीं, आप खुद मजिस्ट्रेट हैं। वो चूंकि टेक्निकल मामला है, जो आईटीआर दिखा रहे, एक प्रार्थना पत्र लिख दें, वो सारे एविडेंस लगा दें, मैं जांच करवा ले रहा हूँ। अगर इनके साथ अन्याय हुआ होगा तो अन्याय होगा, बिल्कुल भी ना परेशान। ये लीजिए, आप अभी ये देने तैयार, प्रार्थना पत्र दे दें, उसके साथ सारे एविडेंस साइन करा के लेना भैया, रिसीव करके दीजिए। 18 तारीख को एसडीएम के पास मैं स्वयं गया था। एसडीएम साहब ने मेरे से बड़े अच्छी तरीके से मुझसे लहजे से बात की, मुझसे पूछा बाबा जी क्यों परेशान हैं। मैंने ये कहा कि 2015 में मेरा कलार जाति का ओबीसी का सर्टिफिकेट बना हुआ है। अब मेरे बच्चे को उसी जॉब में क्या है कि एक साल के अंदर का वो मांगते हैं सर्टिफिकेट, तो मैंने ये कहा कि एक साल के अंदर का मेरे को एक जो है नॉन क्रीम लेयर का जो है एक सर्टिफिकेट बनवा दीजिए। उन्होंने कहा बाबा जी बन जाएगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सेवरे हैं, कलार जाति में आप आते हैं। सोनी सेवरे भी चेयरमैन जो सिस्सागंज के हैं वो भी कलार जाति के हैं। आगरे में जो अध्यक्ष हैं जो है बीजेपी के, वो भी जो है मतलब कलार जाति में आते हैं। बन जाएगा, कहीं भी कोई परेशानी नहीं है। मैं बहुत संतुष्ट हुआ और उसी टाइम लेखपाल जी को बुलाकर उन्होंने समझा दिया था कि इनकी इंक्वायरी अच्छी तरीके से पुट अप करके लगा दीजिए, जो सही हो वो। अब वहाँ से मैंने जो लेखपाल जी को फ़ोन किया, कौन लेखपाल हैं? बिजेंद्र सिंह यादव जी। उन्होंने 4 दिन तक इस कदर मुझे परेशान किया, कभी मैं 6 बजे उनके घर पर जा रहा हूँ, कभी कहते हैं कि 10 बजे मैं ऑफिस में मिलूँगा या 2-2 बजे धूप में बैठा रहता हूँ। उसके बाद में फिर कहते हैं कि मैं गाँव चला गया हूँ, मैं आपकी शॉप पर आऊँगा, शॉप पे भी नहीं आती हैं। आज 4 दिन तक मुझे परेशान करते रहे बहुत ज़्यादा। कल वो मेरी शॉप पे गए, चाय पी, उन्होंने कहा बाबा जी आप कलार जाति के हैं, मैंने जो है हर तरीके से इंक्वायरी कर ली है, अब आपका मैं बना दूंगा। उसके बाद 5 बजे मेरे पास फ़ोन आता है कि आप मुझे आईटीआर की कॉपी दे दीजिए। मैंने 3 साल की आईटीआर की कॉपी दे दी। अब वो 7 बजे फ़ोन मेरे पास आता है कि वो जो है बनाएंगे नहीं, तहसीलदार बनाएंगे नहीं। मैंने क्यों नहीं बनाएंगे कि आप जो गवर्नमेंट का जो फॉलो है उसके इनकम से आप ज़्यादा जा रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मेरी तो कोई 3 साल में इनकम ही नहीं है, 2 साल की अगर इनकम में प्लस कर देता हूँ और 3री साल की अगर मैं उसको जो है माइनस वाली फॉर्म को जो घटाता हूँ तो मैं अब माइनस में जा रहा हूँ। आपने मतलब फिर मैं इन्होंने फिर शाम को मुझे बुलाया तहसीलदार साहब ने, शाम को यहाँ से 6:35 पर मैं आया, यहाँ से जब ही निकले फिर मेरी फ़ोन पर बात हुई, करना आप सुबह 10 बजे आ जाना। 10:05 पर मैं यहाँ पर आया और यहाँ से वो जो रवाना हो गए। फिर मैंने बात की उनसे, मैंने कहा ये तो गलत बात है, 63-65 साल का मैं आदमी बुजुर्ग हूँ, मैं गवर्नमेंट कहती है इम्यूनिटी बढ़ाइए और आप मेरी इम्यूनिटी घटा रहे हैं। अब सुबह से फिर उन्होंने कहा कि मैं 2 बजे के लगभग आऊँगा। फिर मैं एसडीएम साहब के पास गया, मैंने इनकी शिकायत की, मैंने सर देखिए ये सारी चीज़ें अभी तक तो जो लेखपाल परेशान करते रहे, अब आपके तहसीलदार भी मुझे परेशान कर रहे हैं। कल बुलाया मतलब 6:30 बोले आप आ जाइए, मैं ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, और 6:35 में मैं आया, ये डबरी निकल गई। उसके बाद उन्होंने फ़ोन पे मेरी बात भी बोले, मैं सुबह 10 बजे आप आ जाइए, मैं यहीं मिलूँगा। 10:05 पे मैं आया और ये यहाँ से रवाना हो गए। मैंने फिर एजेंट साहब से शिकायत की, उन्होंने जो इनसे बात की कि आप कहाँ पर हैं आप, बोले कि मैं स्थगित समारोह में आया हुआ हूँ, जो प्रधान के समारोह में, शपथ समारोह में। उन्होंने कहा नहीं आप आइए, पब्लिक परेशान हो रही है, उनसे बात कीजिए आप। फिर भी ये 2 बजे के बाद मेरे पास आए, मैंने इनसे कहा सर मैं सुबह से परेशान हूँ, मैंने खाना नहीं खाया, मेरे आंसू भी आ गए, मैंने खाना नहीं खाया। बोले मैंने भी खाना नहीं खाया,
तो मैंने कोई बात नहीं, आप मेरे बच्चे के तरीके से, आपने भी नहीं खाया, मैंने भी नहीं खाया, कोई दिक्कत नहीं है, अब आप भोजन कर लीजिए और मेरा जो है जो लीगल पे पॉइंट पे काम हो कीजिए, अनलीगल हो बिल्कुल मत कीजिए काम मेरा। इन्होंने खाना खा लिया, पानी पी लिया, जो भी कुछ किया हो एक्स वाई जेड सब कुछ कर लिया, मैं बैठा रहा, मैंने पानी तक भी सुबह से लेके अभी तक जल ग्रहण नहीं किया मैंने। अब मैं इनके पास दो बार गया, ये कहते हैं चार बार मैंने बात की, मैं दो बार मैं गया, मैंने इनको समझाया सर मैं बोल लीगल पॉइंट पे हैं, बच्चे का जीवन बर्बाद हो जाएगा, वैसे तो गवर्नमेंट जॉब कहीं मिलती नहीं है, अगर मान लो उसमें कहीं किसी को कागज़ लगाना है और हम लीगल वे पे, हम दुनिया भर का टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं, आज अगर हमें गवर्नमेंट कुछ दे भी रही है हम उस, हमारा अधिकार नहीं है उसमें लेने का। एक दिन अगर टैक्स लेट हो जाता है गवर्नमेंट पेनल्टी लगा देती है, और हमें गवर्नमेंट अगर हम लीगल वे पे कुछ अगर लेना चाहते हैं तो हमको मिलेगा नहीं, इसका क्या मतलब है? ये लोग मिलके जो बीजेपी गवर्नमेंट को बर्बाद करना चाहती है, फिर क्या हुआ, क्या हुआ? उसकी आड़ में हमारा काम क्यों नहीं हो रहा? अब क्या कह रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट समझे, आप समझो, अब क्या कह रहे हैं, निकालो मैं पब्लिक को परेशान क्यों करते हैं, अब क्या कह रहे हैं? अब मैंने जो एक कागज बनाया है, आपका प्रमाण पत्र कैंसिल कर दिया है, वो कैंसिल कर दिया है, क्या क्या आख्या लगाई है? उन्होंने ये कहा है कि आपकी गवर्नमेंट के हिसाब से आय आपकी ज्यादा है, आपका जो है नॉन क्रीम लेयर नहीं बन सकता है। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, उसी के आधार पे मैंने एक कागज़ तैयार करा लिया, बोला आपने यही कहा है ना, हाँ यही कहा, तो मैंने इस पर साइन कर दीजिए, आप एक कागज़ आप ले लीजिए, एक कागज़ मुझे दे दीजिए, अगर मैं, आप कहते हो मैं अनलीगल भी पे हूँ तो आपको डर क्यों लग रहा है, आप भाग क्यों रहे हो, अब क्या कह रहे हैं आप, पुलिस को क्यों बुला रहे हो? क्या कह रहे हैं बाबा जी ने मुझे क्या कह रहे हैं? बाबा जी बताइए, आप बता दीजिए, आप मतलब मेरे एडवोकेट भी है, मेरी बेटी भी है, इनको आते ही जो जब हम ऑफिस में एंट्रेंस किया तो ऑफिस के अंदर नहीं घुसने दिया इनको, और बाहर निकल आए, हमने कहा सर बैठ लीजिए दो मिनट बात करेंगे आपसे, कहने नहीं नहीं लेडीज पुलिस को बुलाइए, और पुलिस वाले खड़े थे उनसे बोले कि उनको जो अरेस्ट कीजिए, व्यापारी मतलब सरेआम चोर हो गया, जो चोर बदमाश डकैत घूम रहे हैं वो नहीं है, हम चोर बदमाश है, हम आत्महत्या कर ले, हमने 63 साल की उम्र में यही कमाया, हमने आज तहसीलदार हमको कह रहे हैं अरेस्ट कीजिए, इनको शर्म नहीं आती, ये हमारे बेटे के बेटे के बराबर है, आज हमारे बेटे कहेगा कि इनको अरेस्ट कर लीजिए, सनी भगवान माफ नहीं कराएगा, कभी नहीं कराएगा माफ, मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे इनकम टैक्स वालों ने बहुत परेशान किया, मुझे सरकार बहुत परेशान करती है मुझे।